तो नीट एग्ज़ाम या नीट जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं आईआईटी वगैरह, इनके अंदर होता यह है कि बच्चे अक्सर डरते हैं नीट के नाम से जी। तो क्या वाकई डरने की ज़रूरत है? हमारे कलाम साहब कह के गए, सपने बड़े देखो जी, आपको दिखाई दे रहा है कि भीड़ बहुत है पर आपको डरना नहीं है जी। और हम सरकार की भी अगर बात करें तो सरकार ने भी इसमें एक अच्छा कदम उठाया है कि मेडिकल सीटें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर आपने नीट निकाला तो अगले दिन से आप डॉक्टर हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के विजय पथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे नीट को लेकर के कि नीट की तैयारी कैसे करें और नीट में अपना भविष्य कैसे बनाएं, नीट कैसे आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, नीट कैसे आपको एक अच्छा चिकित्सक बनाएगा, इस देश का भविष्य आपको बनाएगा और नीट के माध्यम से आप वो तमाम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनको आज आप बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। आपके परिवार की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि नीट की तैयारी कैसे करें, तो आज उन्हीं सवालों के समाधान हम आपको देने वाले हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है विजय पथ। नीट आपने नाम सुना होगा, जितना ये कठिन नाम है उससे ज्यादा कठिन इसकी तैयारी है। नीट कैसे की जाए, नीट की तैयारी करने के लिए क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जो अपनाए जाएं और नीट की तैयारी करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, हम इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ अंतिम देवड़ा हैं, डॉक्टर अंतिम देवड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला जो सवाल है वो आधारभूत सवाल है कि नीट से अर्थ क्या समझा जाता है और नीट को किस तरह से को बच्चों को लेना चाहिए, शुरुआत की यदि हम बात करते हैं, शुरुआत के दौर की जी। तो सर, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट बेसिकली एक मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट है। पहले AIPMT के नाम से चलता था, 2013 में पहली बार नीट लाया पर फिर किसी कारणवश 2014-15 में वापस AIPMT को किया गया, पर फिर 2016 से अब तक नीट ही हो रहा है और ये NTA एजेंसीज को कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम में मेडिकल, अगर किसी बच्चे को मेडिकल क्षेत्र के लिए तैयारी करनी है, चाहे वो फिर MBBS हो, BDS हो, BMS हो, BHMS हो, ये कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर होता है। बच्चे अक्सर डरते हैं नीट के नाम से जी, तो क्या वाकई डरने की ज़रूरत है या इतना कठिन है कि वाकई डरना चाहिए या नहीं? जी सर, बच्चे का जो डर है वो लाजिमी है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, इस साल 18,70,000 के लगभग बच्चा बैठा है और यहाँ पर डर बच्चों को लगता है कि इतनी भीड़ है, पर समझना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है, जो आपके नीट के अंदर पूछा जाना है, वो प्योर आपके NCERT से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वही 11th 12th बायोलॉजी 11th 12th हम बात कर लें, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो सिलेबस वो छोटी सी बुक ही है, उसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी और परफॉर्म करना है। और हम सरकार की भी अगर बात करें तो सरकार ने भी इसमें एक अच्छा कदम उठाया है कि मेडिकल सीटें बढ़ चुकी हैं, पहले की तुलना में मेडिकल सीटें कहीं हो चुकी है। जैसे हमारे ही टाइम पे 2016 के लगभग हम बात करें, MGA मेडिकल कॉलेज में 150 सीट थी, आज 250 है, तो अब टोटल 45,000 के लगभग गवर्नमेंट मेडिकल सीट है और 45,000 हमारे पास में प्राइवेट मेडिकल सीट है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने अभी एक और अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं वो लोग, शायद इसको लागू भी जल्दी किया जाए, प्राइवेट में भी जो आधी सीट है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिल करेगी। अच्छा। तो ये बच्चों के लिए और अच्छी चीज़ हो रही है कि सीट भी बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में संख्या नहीं बढ़ रही है। तो बच्चों के लिए डरने वाली बात नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है। मेरे को लगता है बच्चों के मन में एक सवाल ये होगा कि नीट की तैयारी की जब शुरुआत होती है जी, तो मानसिकता, तो आपने जैसा बताया कि हमको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, पर उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना है जो बहुत ज़रूरी हैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए? बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी शायद जी। सर, इस प्रश्न पर मेरा तो यही आप जवाब रहेगा, हमारे कलाम साहब कह के गए, सपने बड़े देखो जी, आपको दिखाई दे रहा है कि भीड़ बहुत है पर आपको डरना नहीं है जी। तो ये चीज़ है कि आपके तीन ही सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो साइंस स्ट्रीम में आप अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हो। पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में बेहतर हैं। अगर आपका एनालिटिकल माइंड है तो आपको साइंस की तरफ आना चाहिए, सिर्फ एज इट इज चीज़ें नहीं लेनी है कि 1857 में झांसी की रानी लड़ी, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सोच सब्जेक्ट को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे हम कभी भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एजिटेशन नहीं लेना, चिंतन मनन करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की तैयारी के वक्त आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाया जा रहा है तो जैसा आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से समझें, उसके बाद उसको सोचें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो ये सारी बेसिक जो चीज़ें वो ये होती हैं जी। अच्छा, एक ये भी कहना लोगों का होता है कि नीट की वो तैयारी जब करते हैं तो उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मसलन
किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा विषय होता है जिसमें वो कमज़ोर होता है, तो कोचिंग क्या ऐसे में मदद करती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, या बच्चा अपने आप से भी कोशिश कर सकता है? जी सर, मैं जब कई सेशंस लिए हैं मैंने, उसमें बच्चों से अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो कहते हैं सर बायो। ठीक है, फिर ऐसे ही अलग अलग प्रश्न, तो सभी बच्चों का है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जी। पर मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूँ, बेटा अगर आप मान के चलो बायो में आपने 360 में से 360 लिया है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, 2 सालों को छोड़कर तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, पर आपने 360 में से 360 लिया है। केमिस्ट्री में अगर आप 180 में से 180, असंभव। केमिस्ट्री में 150 के लगभग स्कोर आता है और बायो में 300 के लगभग स्कोर आता है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 450 के लगभग होता है सर, इतने में किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। फिजिक्स तो कंपलसरी है, तो फिजिक्स अगर आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही है, तो आपको वहाँ पर भी 150 नंबर चाहिए, तब जाके आपका स्कोर होता है 600। ये अगर स्कोर आपको हासिल करना है, 360 के लिए तैयारी करो या 300 के लिए, तैयारी बराबर ही करनी पड़ेगी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते, सभी में स्कोर ये करना है, ईमानदारी से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जी। उसमें अगर हम बात करें फिजिक्स सब्जेक्ट की, बच्चे को डर लगता है जी। एक बच्चे ने मेरे से भी पूछा था कि सर फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, हम उसको कैसे डील करें, तो मेरा इस मामले में एक सिंपल सा है सर, स्कोर अगर आपको अच्छा करना है तो सब्जेक्ट पसंद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अगर पसंद करना है तो टीचर को पसंद करना पड़ेगा। अगर आपने टीचर के प्रति श्रद्धा जगा ली, ऑल इज वेल बोल लिया सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये अब मनाना पड़ेगा खुद को कि तीनों सब्जेक्ट मेरे लिए इक्वल है, मेरे तीनों ही सब्जेक्ट फेवरेट है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम होते हैं, तो आपको वैसी मानसिकता बनानी पड़ेगी, बनाना पड़ती है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि नीट की तैयारी करने के लिए जो संस्थान है जो तैयारी करवाते हैं जी, उन बच्चों को जो अच्छा कोचिंग है वो कहाँ कहाँ है, बड़े बड़े जो संस्थान है, क्या ऐसे कुछ संस्थान है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं उन बच्चों को? हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा नाम आप बताएं जो बच्चे उसको फॉलो कर दें, लेकिन एक सलाह के तौर पर, एक बड़े अनुभवी व्यक्ति के तौर पर यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे? सर मैं इसमें किसी भी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, खुद का भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, होता क्या है जैसे हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने पहले कोचिंग चलाई होशंगाबाद में, बहुत बड़ी उनकी कोचिंग थी, उसके बाद उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक के तौर पर चयन हुआ अविनाश बसेड़िया सर जी। सर वो आए, उन्होंने पढ़ाना चालू किया, और पढ़ाना जब चालू किया तो उनको था कि नहीं मेरे यहाँ से बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए, स्कूल के अंदर उनकी ये मानसिकता थी जो कि काफ़ी बेहतर थी। पर सर हुआ ये कि स्तर बड़ा रखने के चक्कर में सब बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी कर नहीं रहे, सर 40 में से 15 बच्चे फेल हो गए, समिति ने यही प्रश्न उठा दिया कि आपने ये क्या काम किया, तो सर ने अपना स्तर गिराया, यानी तो, आप कहीं से भी ज्वाइन करें, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। तो मेरा ये कहना था कि सर स्कूल के अंदर आपको चाहकर भी टीचर उस तरह की तैयारी नहीं कराता, कोचिंग के अपने फायदे हैं, कोचिंग के फायदे ये है, कोचिंग एक माहौल देता है जी। माहौल ये देता है कि एक स्तर के साथ में पढ़ाई कराई जाती है, नीट का पूरा सर्कमस्टेंसेस जो भी सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद में आपको सेम डे पर वो सेल्फ स्टडी करने के लिए देते हैं, क्वेश्चन शीट वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, और उसके बाद में आपको अगर आते हैं डाउट तो सेम डे आप डाउट पूछे, कल तो कुछ नहीं छोड़ा जाता है, तो कोचिंग के अंदर एक माहौल मिलता है बच्चे को। पैटर्न में अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो किस तरह का बदलाव आया है? सर पहले नीट जो होता था वो 180 क्वेश्चन का होता था, लेकिन अब 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। अब सेक्शन 4 हमारे पास में है, केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी और बॉटनी। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है, लेकिन 15 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं। पहले भी 45 क्वेश्चन करने होते थे, अभी भी 45 क्वेश्चन ही करने हैं, टोटल 180 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, पर 20 क्वेश्चन आपको एडिशनल मिल गए हैं कि इनमें से 200 क्वेश्चन में से कोई आप 180 कर लीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और पहले पिछले साल तक भी सर ये था कि 2022 तक की हम बात 2021 तक की हम बात करें तो 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 180 मिनट दिए जाते थे, लेकिन इस साल एक और बदलाव ये हुआ है नीट 2022 के अंदर कि अब आपको 200 क्वेश्चन 200 मिनट। अच्छा, तो एक बदलाव इस साल भी हुआ है। अच्छा, यानी एक सवाल औसतन 1 मिनट एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। और ये एक बड़ा प्रश्न है कि जब अभिभावकों की नज़र से कि जब हम बात करते हैं नीट की तैयारी की जी और उसको पास करने के स्तर तक की, तो वहाँ तक आते आते बच्चे को या उसके परिवार को कितना खर्च करना पड़ जाता है, एक खर्च पढ़ाई का खर्च, क्योंकि परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल सर, दरअसल इसमें मैं एक यही चीज़ कहूँगा कि लगभग लगभग लाख रुपए की कोचिंग फीस होता है जी, और 1 से 1.5 लाख का रहना खाना का खर्चा तो 2.5 लाख के लगभग हो जाता है जी। अब इसमें जो कटौती हो जाती है कई बार वो कोचिंग की फीस में हो जाती है, कोचिंग संस्थाएं अलग अलग स्कॉलरशिप निकालती है, बच्चा अगर बहुत अच्छा, तमाम स्कॉलरशिप अभी चल रहे हैं तो उसका फायदा मिला रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर भी अगर
मान के चलिए कि कोई पेरेंट्स जिनके अगर नहीं है घर वाले या कोरोना की वजह से किसी का ध्यान हुआ तो हमारे यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप सीधे हो जाती है बच्चे के लिए। तो ये सभी जगह पर हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दर्शकों कि नवोदय एकेडमी जो है 50% तक डिस्काउंट देती है उन बच्चों को जिनके माता पिता कोरोना काल में काल के गाल में समा गए और बच्चे अभी इस वक्त अनाथ हैं। अनाथ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तमाम लोग उनके साथ हैं, सरकार उनके साथ है, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इस तरीके अगर एकेडमी आती है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए। और धन्यवाद भी है इस तरीके एकेडमी को, डायरेक्टर्स को भी जिन लोगों ने ये फैसला लिया है। सर मेरा अगला प्रश्न जो है वो नीट के बाद के तमाम पहलुओं को लेकर के है। हम नीट की तैयारी क्यों करते हैं? नीट की तैयारी शायद इसलिए करते हैं कि अच्छा डॉक्टर बन सकें जी। तो नीट पास करने के बाद अगला जो द्वार है वो कौन सा खुलता है? सर जैसे ही आप नीट में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपको MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, फिर MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही हैं, तो MBBS के बाद फिर आपका BDS, BAMS, BHMS ये इस तरीके का पूरा मेडिकल क्षेत्र आपके लिए ओपन हो जाता है। तो ये कॉमन इंटरेस्ट है, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में कोई करियर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके का स्कोर करेंगे कुछ ना कुछ आपके हाथ आएगा। तो ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं जी, इनमें ज़्यादातर जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं अभी, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, स्वयं एक डॉक्टर हैं, तो किस तरीके का ट्रेंड है या सभी चीज़ें अच्छी हैं, कोई बच्चा कोई भी चयन कर सकता है किसी भी उसमें स्ट्रीम में कुछ ऐसा? सर ये व्यक्तिगत है। अच्छा। अगर बच्चा अगर चाहे, जैसे कि सबकी अपना होता है, नीट के बाद में MBBS करने के बाद उसका रुझान अगर एनाटॉमी में है, फिजियोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में है, या उसका फॉरेंसिक मेडिसिन में है, मेडिसिन में है, सर्जरी में है, गायनी में है, तो उसके पास 19 सब्जेक्ट है, 19 में से वो किसी का भी चुनाव कर सकता है जिसमें वो आगे जाके पीजी की तैयारी, पीजी स्पेशलाइजेशन जो होता है उसके लिए जा सकता है। अच्छा, में जैसे बच्चे का जब सिलेक्शन होता है कॉलेज में तो उसको अर्निंग्स उस वक्त शुरू होती हैं या उसकी नौकरी लगने के बाद से शुरू होती हैं उसमें? और अगर अर्निंग शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है और कहां तक जा सकती है? सर इस क्षेत्र में जितना नाम है उतना कुछ नहीं है जी। अभी अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम को निकालने के कुछ समय के बाद आपको मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर आपने नीट निकाला तो अगले दिन से आप डॉक्टर हो जाओगे, सब मोहल्ले वाले आपको डॉक्टर कहना चल जाता है, तो आपकी कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन और एक कॉन्फिडेंस, घर वालों का नाम बहुत जल्दी ऊपर आता है जी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि 5.5 साल का आपका पूरा कोर्स है, इंटर्नशिप में आपको कुछ स्टाइफंड वगैरह मिलता है, फिर उसके बाद अगर आप पीजी की तैयारी करते हैं तो हाँ पीजी में फर्स्ट ईयर से ही आपको कुछ ना कुछ मिलना चालू हो जाता है, जो कि आपकी पूरी वो आमदनी इतनी होती है कि सारा आपका काम निकाल सकते हैं जी। तो ये जो हमने बात की नीट के शुरुआत से लेकर के और नीट के सफल होने के बाद तक की, इस बीच में यदि कोई ऐसी बात जो छूट गई है और जो आप अपनी तरफ से रखना चाहते हो, शायद हमारी चर्चा में ना आ पाई हो जी, ऐसी कोई यदि बात है तो आप उसको अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है नीट की तैयारी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की। कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हम अगर दे रहे हैं जिसके अंदर क्या है, टाइम भी है कि एक समय सीमा के अंदर आपको करना है, एक क्वेश्चन 1 मिनट, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी। अगर हम नीट एग्जाम को देखें तो सर एक क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर वो एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1। तो नीट एग्ज़ाम या नीट जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं IIT वगैरह, इनके अंदर होता यह है कि आपको एक्यूरेसी भी रखनी होती है और स्पीड भी रखनी होती है, क्योंकि कंपटीशन हाई है, तो एक्यूरेसी और स्पीड का सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा। शुरू में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है और फिर समय के साथ आपको स्पीड पे करना है। और उसी के अलावा सर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर हो रही है तो इसमें 2 पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। आज अगर हम बात करें प्रिपरेशन के तौर पर या परफॉर्मेंस के तौर पर, तो हुसैन बोल्ट को 9 सेकंड दौड़ना है, लेकिन उस 9 सेकंड के लिए उसको 9 घंटे वो डेली बेसिस पर मेहनत कर रहा है। निश्चित तौर पर किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। 3 घंटे का एग्जाम है तो कम से कम आपको 9 घंटे से तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ये बच्चे को समझना होता है। और घंटे वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज, कि आप कितना घंटे पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता, उन घंटे में आप कितना पढ़ रहे हो ये मायने रखता है। और ये ना सोचे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चा गलती करता है वो एग्जाम के टाइम पे ही करता है। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे थे सर जिन्होंने नीट के टेस्ट में पूरा जो हमने लेवल रखा नीट के स्तर का रखा 700 तक का स्कोर किया है, लेकिन उनके जब स्कोर की बात करें तो 50 से 100 तक का गिरावट आई है। तो ये कारण क्या रहा है कि एग्जाम के अंदर जाकर उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो रिजल्ट पर फोकस ना करें, जो होगा अच्छा होगा, मंजूरे खुदा होगा, ठीक है, आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए बात खुदा की निकली है, मैं बात आत्मविश्वास की निकली, बात विश्वास की निकली, तो मुझे 2 लाइनें याद आ गई। मैं आपको जरूर कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो निश्चित तौर पर ये जो नीट को लेकर के बात है और ये जो तैयारियों को लेकर के बात है,
एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें, अपने दिल में उतार लें, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास और आत्मविश्वास, इन दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हम पर तभी कोई विश्वास करेगा जब हम शुरुआत खुद से करेंगे और हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे। फिर क्या नीट और फिर क्या कोई दूसरा एग्ज़ाम, आप तमाम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे पेशेवर चिकित्सक बन सकते हैं, पेशेवर वकील बन सकते हैं, या जो आप भी पेशा अपनाना चाहें उसको बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम डॉक्टर अंतिम हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हम प्रयास करेंगे इस तरह के तमाम प्रोग्राम जो हैं आपके सामने पेश करते रहें और उन सारे सवालों के जवाब देते रहें जिनकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत। तो ये तमाम सवालात और उनके जवाब हमने जानने की कोशिश की जो आपके जहन में थे, और जिन बातों को हम तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, आपके सवालों को हमने लेने की कोशिश की, आपके उन इनपुट्स को लेने की कोशिश की जिनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करके एक अच्छा कार्यक्रम इसको बना सकें। हमने कोशिश की नीट को जानने की, नीट के माध्यम से डॉक्टर कैसे बना जाए हमने ये जानने की कोशिश की। हमारे साथ डॉक्टर अंतिम थे जो एक बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं और एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, नीट की तैयारी आप करवाते रहे हैं, और तमाम ऐसे पहलुओं पर हमने चर्चा की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सवालों तक पहुंचने में सफल हुए होंगे जो आपके मस्तिष्क में इस वक्त हैं। नीचे जो स्क्रीन पर नंबर हैं उन पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं, हमें आप इस मेल आईडी पर भी अपने जवाब या सवाल जो हैं आपके, आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करें और आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें। तो हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको लाइक करें और अपने प्रोग्राम्स को शेयर करना ना भूलें।